Let's see. In the previous lecture, we discussed some complicated concept. Those were a bit tough to use. So let's have a look at those questions because some of you texted me like we didn't understand thoroughly those questions. So let's review those particular questions we discussed in the previous lecture. Okay. So let's have a look at those sort of questions. Okay. Here it is. So क्वेश्चन में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, एक लॉजिकल अप्रोच के बारे में हम बात कर रहे थे, जो लास्ट सेक्शन मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था, आप लोग समझे। लॉजिकल अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच क्या था, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट स्टॉप्स एट दैट इंस्टेंट यू कैन यूज दिस लॉजिकल अप्रोच। चलो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ ये लॉजिकल अप्रोच एग्जैक्टली है क्या और हमें करना क्या है। देखो यार, सबसे पहले बात, ये लॉजिकल अप्रोच तभी काम होती है जब हम एंड पॉइंट तक जाते हैं, मींस स्टॉप तक जाते हैं। सपोज किसी ने अपनी कार स्टार्ट की 100 मीटर से और वो स्टॉप, उसने ब्रेक लगाया और वो स्टॉप हुआ लेट से 20 मीटर यूज करके, 20 मीटर डिस्टेंस में। तो अगर मैं गेस करना चाहूँ, सपोज कि कोई एक दूसरी कार है विच इज मूविंग विद लाइक 50 मीटर पर सेकेंड, दिस वॉज मूविंग विद 100 मीटर पर सेकेंड, so in how much distance that will stop। तो अगर question till stop है, सबको याद रखना है concept क्या है, अगर question till stop है, so whatever distance is covered here, this x, in this particular scenario the distance will be n square times of x, and what is n? n is a factor, n is a factor, n क्या factor है by which we are getting this speed, so in this question it is very easy to guess factor क्या है 1/2 का, but if it is not easy to guess you can just use final upon initial, ये concept अगर आप use करो तो n की value बहुत ही easily आपको मिल जाएगी। मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ, फिर से एक example के through देखें कि कैसे इस question को और strongly आप use कर सकते हैं। suppose या पूछे सर, मैं अभी अभी मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, आप एक बार फिर से बताएंगे। बेटा यू शुड बी इन टाइम ना, द टाइम वाज 5 o'clock। ओके लेट्स सी, आई विल बी एक्सप्लेनिंग अगेन। सो देखिए यार, एक बार फिर से सपोज मैंने बात की, स्टार्टिंग फिर से कर लेते हैं यार। सपोज एक कार है जो कि 100 की स्पीड से मूव हो रही है और सडनली उस कार ने ब्रेक लगाया, कंडीशन इज टू स्टॉप। ये पैटर्न, ये जो लॉजिक मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, दिस कैन बी यूज्ड व्हेनेवर अ थिंग इज स्टॉपिंग। ओके नाउ सपोज इट इज मूविंग विद 100 मीटर पर सेकंड एंड इट अप्लाइड अ ब्रेक एंड इट इज स्टॉप्ड इन लाइक 10 मीटर, सो लेट्स से 20 मीटर। सो द लॉजिक इज कि अगर ये मूव कर रहा है किसी डिफरेंट स्पीड से, लेट्स से इट इज मूविंग विद 80 किलोमीटर पर आवर या 80 मीटर पर सेकंड इफ इट इज मूविंग एंड इट स्टॉप्स, so question is in how much distance this person can stop। suppose एक दो लोग हैं वो race लगा रहे हैं, दो cars हैं वो race लगा रहे हैं और suddenly at any instant इसकी speed थी 100 और इसकी speed थी 60, question समझना। और एक wall है, यहाँ पे wall है, okay, और मान लेते यार ये distance let's say कुछ 30 meter थी, तो question ये इस type का पूछा जाएगा, who will hit the wall, ओके वेदर बोथ विल हिट और ओनली वन विल हिट और नो वन विल हिट। तो कैसे एग्जांपल देगा, एक आपको क्राइटेरिया दे देगा कि लेट्स से 100 एक डिफरेंट स्पीड से कितना डिस्टेंस यूज हो रहा है स्टॉप होने के लिए, सो दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। लेट्स सी, सो स्टॉपिंग डिस्टेंस में अभी हमने क्या बात की, द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओरिजिनल इनिशियल डिस्टेंस। अगर ये एक्स है सो ये हो जाएगी एन स्क्वायर टाइम्स। प्रॉब्लम है ये एन क्या है, मैंने बताया एन इज अ फैक्टर, फैक्टर बाय विच द स्पीड इज मल्टीप्लाइड, एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट फैक्टर, वी कैन सिंपली कैलकुलेट दैट फैक्टर बाय यूजिंग फाइनल ओवर इनिशियल, बाय यूजिंग फाइनल ओवर इनिशियल। मतलब क्या हुआ, फाइनल ओवर इनिशियल मतलब 80/10, 80/100, सो दिस विल बी 8/10 और वी कैन राइट 4/5, दिस इज द फैक्टर, सो द डिस्टेंस विल बी 4/5 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ दैट ओरिजिनल डिस्टेंस। ये सिनेरियो हमने पूरा यहाँ पर डिस्कस किया। पहले इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, ये सिंपल केस में कुछ भी डाउट है तो बताओ, जो अभी हमने डिस्कस किया इस पूरे सेक्शन में अगर किसी को कुछ डाउट है तो बताएं। ओके
तो अब हम अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन हमने एक देखा हुआ था। क्वेश्चन ये था, सपोज स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर अ कार विद 80 किलोमीटर पर आर इज 10 मीटर, देन स्टॉपिंग डिस्टेंस विद 40 किलोमीटर पर आर विल बी। सो 40 किलोमीटर पर आर है, दैट मीन्स स्पीड कितनी हो गई फाइनल बाई इनिशियल कितना है, हाफ। एन इज अवर हाफ, वी कैन राइट हेयर एन इज इक्वल टू फाइनल दैट इज 80 डिवाइड बाई, सॉरी फाइनल दैट इज 40 डिवाइड बाई 80, लाइक दैट वी कैन डू। और डिस्टेंस विल बी दिस एन स्क्वायर टाइम्स, तो 10 मीटर था सो एन क्या है 1 बाई 2 का स्क्वायर, सो इट विल बी 2.5 मीटर। ये चीज हमने देखी इस सिनेरियो को। फिर एक सेम एग्जांपल हमने बात किया, ये एग्जांपल देखेंगे, किसी को इसमें डाउट है तो अभी पूछे। अ कार इज मूविंग विद 30 एंड स्टॉप्स इन 90 मीटर, देन सपोज अ पर्सन वॉज मूविंग विद 50 मीटर, 50 किलोमीटर पर आवर, देन क्या सिचुएशन होगी। सो बड़ी सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा उस केस में, हम सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को। सपोज 30 से जा रहा था और 9 मीटर में स्टॉप हो रहा था, अब 50 से जा रहा है, सो व्हाट वी नीड द फैक्टर फाइनल अपॉन इनिशियल, दैट फैक्टर विल बी 50/30, दिस दैट इज 5/3। सो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5/3 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ 9, सो कितना आ गया 25 मीटर। मतलब अगर पर्सन 50 की स्पीड से जा रहा था तो वो 25 मीटर पे जाके स्टॉप होगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस पे ध्यान दे, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सपोज मैं बोल रहा हूँ एक कार है और वॉल है, एक जो वॉल इससे लेट से 20 मीटर अवे है, एंड द कार इज मूविंग विद 60 किलोमीटर पर आवर। ओके लिसन एवरीवन, इट अप्लाइज अ ब्रेक एंड स्टॉप्स इन 15 मीटर, देन द क्वेश्चन इज ओके। नाउ If a car was moving with 70 km per hour, what will happen? Whether it will hit the wall or not? Solve everyone and answer. Check whether it will hit the wall or not. Check and answer in the chat box. Sir, कुछ ऐसा आएगा क्या? Sir, 7/6 × 20 आएगा क्या? I didn't ask you to answer publicly. You can answer in the chat box. Then I'll answer whether it is correct or not. The question is this. I do not ask for the answer. I asked whether it will hit the wall or not. If the another car was moving with 70 km per hour. Okay, so along with your justification, there should be stopping distance also. So everyone answer two things. What is the stopping distance? Everyone answer what is the stopping distance in the second case, then it will be okay. If it is less than 20, then it will not hit. If it is more than 20, it will hit. So according to that, you answer. Answer with the stopping distance. Don't just answer yes or no. Answer with the distance. सर मेरा आंसर बराबर है। नो आदित्य इट्स नॉट करेक्ट। शायली इट्स करेक्ट, वेरी गुड। अदिति इट्स करेक्ट, वेरी गुड। आदित्य इट्स नॉट करेक्ट। विश्वदीप इट्स नॉट करेक्ट। अंशिका इट्स नॉट करेक्ट। तनया इट्स नॉट करेक्ट। सो टिल नाउ ओनली टू करेक्ट आंसर्स, शायली एंड अदिति। आदित्य राज गुड करेक्ट आंसर, गौतम इट्स नॉट करेक्ट। ओके नाउ आई गॉट द प्रॉब्लम, व्हाट मोस्ट ऑफ यू आर डूइंग अ मिस्टेक, आई गॉट दैट। संस्कार इट्स करेक्ट आंसर, वेरी गुड। लेट्स सी, लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन अगेन।
Only 2 and 3 have given the correct answer. Okay, Anshika, it's correct now. So let's see. Let's see this question. देखिए यार इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में फर्स्ट इट वॉज 9 मीटर, देन वी ट्राई टू फाइंड दिस एन, एन वॉज 5 बाई 3 एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस इन द सेकेंड केस बिकम्स एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओरिजिनल डिस्टेंस. दिस इज द लॉजिक. ओके, सो बाई नाउ आई गेस मोस्ट ऑफ हैव यू गॉट द प्रॉपर वैल्यू. आदित्य इट्स स्टिल नॉट करेक्ट, शिवानी इट्स नॉट करेक्ट. लेट्स सी, दिस इज द मिस्टेक यू आर मेकिंग एवरीवन. You are not squaring this value. The distance, stopping distance is squared. I'm telling it again and again. The stopping distance becomes n square times of x. Now, how to find this n? N we know, final minus initial, that is 70 by 60. This is our n. So n is 7 by 6. So to this value, it will be 7 by 6 square. Times of initial distance was 20. Okay, so ये problem है जो बहुत सारे students solve कर रहे हैं, जबकि क्या है ये wrong, ये गलत है. So from most of the values what I found is most of the student are doing this one. This wall, the distance of wall was not a stopping distance. The stopping distance was 15 meter. Okay, so most of you made this particular error. Actually, the correct answer will be 7 by 6 square times of 15. Okay, so this is the correct answer. The answer will be 20.41. So this one is correct. Abhi clear hai, kisi ko kuch doubt hai why we did not use this 20? This is just to check whether it will hit or not. So it will just hit. कैसे पता चला? बिकॉज इट इज हायर देन 20 मीटर. तो 20 का कुछ यूज नहीं था. क्वेश्चन जिन लोगों ने नहीं सुना है उन्होंने ये मिस्टेक किया 20 मल्टीप्लाई करके. जिसने क्वेश्चन अच्छे से सुना है, क्लियर था, आई हैव गिवन दिस स्टॉपिंग डिस्टेंस एज 15 मीटर, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना था. चले यार अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर है किसी स्टूडेंट को इस कॉन्सेप्ट में अभी भी डाउट है तो पूछे. पक्का सारे लोग को क्लियर है ना? किसी को कुछ भी डाउट हो मैं भी बोल रहा हूं अभी तुरंत पूछे. ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना था आपको. 20 मीटर जस्ट एक डेटा था, यूज नहीं था कुछ. स्टॉपिंग डिस्टेंस वाज 15 मीटर, तो ये तो मैं यहाँ पे लिख सकता था, स्टॉपिंग डिस्टेंस इनिशियली वॉज 15 मीटर. ओके, तो आई गेस ये वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होगा, इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा आप लोगों को. लेट्स सी, अब थोड़ा सा एक स्पेशल कैटेगरी देखते हैं. स्पेशल कैटेगरी क्या है देखें. हमने इस आइडिया को और ज्यादा बड़ा करने का ट्राई किया. कौन सा आइडिया? जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं. हम क्या बात कर रहे थे? सपोज एक ऑब्जेक्ट है और वो एक कार है. लेट्स से वो 100 मीटर पर सेकेंड से जा रही थी और स्टॉपिंग डिस्टेंस थी 20 मीटर. अब क्वेश्चन ये है कि किसी ने देखा कि जब उसने ब्रेक अप्लाई किया, सो जब तक कि उसकी स्पीड 50 नहीं हो गई, कितनी? 50 मीटर पर सेकेंड, तब तक उसने लेट्स से कवर किया कुछ डिस्टेंस, तो फिर टोटल कितना कवर करेगा? इस टाइप का हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया. सो लेट्स से इनिशियली आपको 20 मीटर नहीं दिया, आपको ये दिया कि एक कार ने ब्रेक अप्लाई किया और उसने देखा कि ब्रेक अप्लाई करने के लेट्स से 3 मीटर्स के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई? हाफ. सो फर्दर हाउ मच इट विल गो, द क्वेश्चन इज फर्दर हाउ मच इट विल गो. तो क्वेश्चन का अब हमने पैटर्न बदल दिया है और हमने इसको एक अलग तरीके से यूज करने का ट्राई किया हुआ है. क्या? फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक कार थी जो किसी डिस्टेंस पर रुकती है, हमें नहीं पता दैट इज एक्स. ओके, बट what we observed that if it has applied brake with 100 meter per second and just moving by 3 meter its speed has become 50, so how much further it will go, ye question hai hamara. to idea hum sirf kahan se kahan tak laga sakte hain? till stop.
आइडिया कहाँ अप्लाई होगा? टिल स्टॉप, समझना है सब लोग को, टिल स्टॉप तक अप्लाई होगा। मतलब सोचो जब 100 से था और स्टॉप होने में कितनी डिस्टेंस कवर की, एक्स, तो जब 50 होगा तो स्टॉप होने में कितनी कवर करेगा, एन स्क्वायर ऑफ एक्स। बहुत ही क्लियर है। अच्छा एन कितना है, फाइनल स्पीड 50 है, इनिशियल कितनी थी 100, कितना है एन, 1/2। सो एन हमें पता चल गया। अब हमारा टारगेट कुछ ऐसा है कि गिवन वैल्यू ये है, गिवन ये है, सो वी मस्ट फाइंड दिस ना फर्स्ट, देन वी कैन फाइंड अवर एक्स एंड अदर थिंग्स। सो विद दिस इट इज वेरी क्लियर दैट गिवन वैल्यू इज वेरी सिंपल, इट इज टोटल माइनस दिस एन स्क्वायर एक्स, टोटल वैल्यू एक्स माइनस एन स्क्वायर एक्स, तो वो गिवन वैल्यू पता चल जाएगी ना कि कितनी है, दैट इज 3 मीटर। सो नाउ वी कैन सॉल्व दैट एक्स माइनस इट इज 1/2 स्क्वायर, सो इट विल बी 1/4 टाइम्स ऑफ एक्स, सो बाई सॉल्विंग इट विल रिमेन 3/4 ऑफ एक्स, 3 विल कैंसिल आउट एंड द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 4 मीटर। अब बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं, दे आंसर एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स इज नॉट द आंसर, द टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस इज नॉट आस्क्ड, क्वेश्चन में पूछा है हाउ फर्दर इट विल मूव, हाउ फर्दर, फर्दर मीन्स ये एन स्क्वायर एक्स जो बचा था, तो आपको पता है कि एक्स टोटल 4 है और ये ऑलरेडी 3 है, सो रिमेनिंग कितनी होगी, 1 मीटर हो जाएगी रिमेनिंग। इस तरीके से हमने इस कॉन्सेप्ट को देखा था। किसी को इस कॉन्सेप्ट में डाउट आ रहा है तो बताएं कैसे हमने वो प्रीवियस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूज किया हुआ है। बताएं सर, आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मुझे समझ में नहीं। ओके वेट आई विल एक्सप्लेन। देखें सो कॉन्सेप्ट फिर से देखते हैं। एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, ये सॉल्विंग का है, सॉल्विंग का कॉन्सेप्ट है। मतलब सॉल्विंग का कॉन्सेप्ट कहने का मतलब क्या है, सपोज हम बात कर रहे थे इस पूरे सेटअप में कि एक कार है जो 100 की स्पीड से मूव हो रही है और उसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने के स्टॉप हो जाने वाली है, डन। बट क्वेश्चन हमसे ये पूछा हुआ है, गिवन क्या है, गिवन है हमें कि वो 100 से तो मूव हो रही थी बट जब उसने ब्रेक अप्लाई किया और उसकी स्पीड 50 हो गई, कितना कवर करके, 3 मीटर कवर करके। तो मतलब हमें गिवन डेटा जो गिवन है वो गिवन है 100 टू 50 तक का डिस्टेंस, हमें क्या गिवन है 100 टू 50। ये जो एन स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है दिस इज वैलिड फॉर टिल स्टॉप, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर 100 से स्टॉप हुआ वो और एक्स डिस्टेंस उसने कवर की, तो 50 से स्टॉप तक में एन स्क्वायर एक्स कवर करेगा, क्लियर। बट जो क्वेश्चन में गिवन डिस्टेंस थी दैट वाज नॉट दिस एन स्क्वायर एक्स, इट वाज एज फ्रॉम द फिगर वी कैन सी एक्स माइनस दिस एन स्क्वायर एक्स वाली वैल्यू, तो ये क्वेश्चन में गिवन थी। तो गिवन वैल्यू यूज करके हमने क्या सॉल्व कर लिया, हमने एक्स निकाल लिया, मतलब टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल ली। अब इन द क्वेश्चन इट मे आस्क द टोटल डिस्टेंस, इट मे आस्क और इट मे आल्सो आस्क द फर्दर डिस्टेंस इट विल कवर। सो अगर फर्दर पूछेगा फर्दर डिस्टेंस, सो दैट इज एन स्क्वायर एक्स ना, सो मतलब कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर इंटू एक्स, कितना है 4, सो द आंसर विल बी 1 मीटर। सो हाउ मच फर्दर इट विल टेक, 1 मीटर इट विल टेक टू स्टॉप। अभी क्लियर है यार, अभी बताएं इस पर्टिकुलर सेक्शन में किसी को कुछ डाउट है? सर हम उसको निकालने के लिए उसको गिवन वाली जितनी वैल्यू उससे माइनस करके भी निकाल सकते हैं क्या? हाँ गिवन वैल्यू से माइनस करके भी निकाल सकते हैं टोटल वैल्यू, सो वही हम कर रहे हैं एक्चुअली। ये भी कर सकते हैं, इफ वी हैव दिस वैल्यू 4 एंड वी कैन सबट्रैक्ट द गिवन वैल्यू 3 वी विल हैव दैट 1 रिमेनिंग डिस्टेंस, सो लाइक दैट आल्सो वी कैन सॉल्व। Okay, let's see one more example. First, see the yesterday's example, what we solved in the yesterday lecture. Let's see this one. So this one we solved in previous lecture. Let's have a look at this question. If someone has doubt regarding this question, you can ask. Let's
read the question, see the solution, and if you have any doubt, you can ask. I think the better way will be to look this question. Let's have a look at this question. This one is a different and easy one. So a bullet hits a wood block, and after 3 cm of penetration, its speed is halved. That means if I say a bullet is entering with a speed certain V, after some time its speed will become V by 2. And the distance covered is 3 cm. अभी हम till stop ही calculation कर सकते हैं, हम पूरा नहीं कर सकते हैं. तो हमने assume किया that it was starting from V and it stopped using a distance X. Now the logic is from V to V by 2, it will cover a certain distance. This is given as 3 cm, this certain distance. And by logic we know कि after it the speed V by 2, it will stop in a distance called N square times X. So we can see the factor N is 1 by 2 here because the speed is halved. तो ये N by 2 से factor कितना आ जाएगा? X by 4. Now in the question the given was this total minus N square X. So this was 3 cm. So from that we calculated the total stopping distance is 4 cm. और question में क्या ask किया? Further how much it will go? So already it has covered 3 cm, so the remaining will be 1 cm. It will be covering further. किसी को इस question में doubt है तो पूछ ले. Sir. Yeah. If someone wants to ask, you can ask on this question. Otherwise, I'll give one more example in the same sort of concept. Is this one okay? So I'll be giving the next example now. Let's see the example then. Okay, listen carefully. I won't be writing all the question, complete question. So I'll be making some sort of figures here for this question. Let's say a car is moving with, a car is moving with, let's say 100 meter per second, yeah, 100 kilometer per hour, done. And it applied a brake. It applied brake after covering, let's say 5 meter. Its speed became 60 kilometer per hour. Okay. Then the wall was initially, this is a wall. Wall. Initially the wall was at 10 meter. Now find whether it will hit the wall or not. So it applied a brake just covering by 5 meter. Its speed was 60 kilometer per hour. Now I am asking whether it will hit the wall or not. And don't answer just yes or no. Answer with the value. What value? The total stopping distance. So if it is greater than 10, then your answer is correct. It will hit. If it is less than 10, it won't hit. So answer with the total stopping distance. Start solving. Answer in the chat box.
ओके सो सम ऑफ यू आंसर्ड करेक्टली लाइक विश्वदीप अदिति अंशिका ओके गुड संस्कार ओके गुड बाय द वे आई वॉज आस्किंग द टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस मोस्ट ऑफ यू आर जस्ट आंसरिंग मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग दिस डिस्टेंस बिकॉज यू आर यूज टू सॉल्विंग दिस डिस्टेंस तो यार एग्जाम में ऐसा नहीं करना है ठीक है हमें टोटल आंसर पूछा हुआ था तो टोटल आंसर आपको करना चाहिए था आई गेस टोटल आंसर इज 6.8 So as most of you answered 1.8, that means it is correct. Okay, so let's see how to solve this question. Okay, most of you answered correctly. Arnav, Shravani, Anshika, Aditi, it's not correct. Shivani. Okay, now let's see. Okay, so... So, as we know, this won't hit the block. Now, let's how to solve this. The question was, suppose it is moving with 100, let's it moved with x. Now, the speed is 60. So, it will move some distance, which is, I'll call n square x. But the given value is, look, the given value is this given. Given is x minus n square times of x. And in the question, the given value is 5. So as we know, x minus n square. So we can take common of x here. So this will be 1 minus n square times. So I can just write x will be 5 divided by 1 minus n square. Now, what is the n? Let's find out what is the n. So n is final minus initial. The final is 60, initial is 100. So I'll just write n kitna hoga? Ye ho jayega 3 by 5. n is 3 by 5. So, यहाँ पे रख देते हैं यहीं से सॉल्व करते हैं लेट्स से थोड़ा सा लेट्स सी तो ये हो जाएगा 5 एंड x 1 माइनस स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 5 स्क्वायर 25 सो दिस विल बी 25 माइनस 9 मींस x विल बी 16 बाय 25 इनटू 5 क्लियर सो आंसर ऑफ x विल बी 5 इनटू 25 डिवाइडेड बाय 16 So we can solve like this. It will be 125 divided by 16. Okay. So let's divide this. X 16, 7 times 7.81. Okay. It will be something 7.81. ओके इसका मतलब सारे लोग का आंसर गलत था क्या मिस्टेक हुआ सब लोग एक बार बताएं क्या एक्चुअल प्रॉब्लम हुई बिकॉज द आंसर इज 7.81 मोस्ट ऑफ यू वर राइटिंग 6.8 आई थिंक नोबडी आंसर्ड 7.8 कैन एनीवन एक्सप्लेन वेयर यू मेड रॉन्ग एंड यू गॉट दिस 6.8 Can anyone explain or should I call the name? Because most of you answered 6.8. So I want an explanation where you made that mistake and you got this 6.8. Anyone answer voluntarily or I shouldn't be asking for names. Sir. Okay. सर मैंने वो x कॉमन लेके 1 माइनस n स्क्वायर नहीं किया ओके इवन इफ यू डिड नॉट टुक दैट कॉमन यू विल बी गेटिंग दिस सेम वैल्यू ना 9/25 देन सर देन आल्सो इट विल कम बाय 16 द फ्रैक्शन यू गॉट वाज सेम और सम डिफरेंट वन इट वाज सर आंसर 1.8 नहीं आता क्या नो 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 द आंसर विल बी नाउ 2.8 For the further distance. Okay, someone else explain Arnav. Arnav, can you explain?
ओके संस्कार कैन यू एक्सप्लेन सर आई यूज्ड अ डिफरेंट मेथड 3/5 स्क्वायर इनटू 5 व्हाट मेथड मींस ओके सर 3/5 Who solved like this method and I want to know where you made mistake on this particular method which I keep on telling again and again. Is someone gonna explain who used this sort of method and what mistake you made? Yeah, Tanaya? Okay. So, if nobody is gonna tell me like where you made mistake, then there is no point of bothering about this again. So this was the concept like which we used solving for these particular type of questions. All you need to do is you need to solve all those examples I have given. Okay, so go through the lecture sir, again after the lecture. Yes. Sir, the x which we have finded, then yeah. How we should find the stopping distance? This x itself is a stopping distance, na? Now feel the question. A car. Yes, sir. I understood. Understood, na? This is the stopping distance. 7.85, which will 2.8. Yeah. So what mistake you made, Ajit? No, sir. I was not getting how to find stopping distance and what is relation. Okay. Okay. गौतम व्हाट मिस्टेक यू नो ब्रैकेट में 1 क्यों लिया ब्रैकेट वी टुक द कॉमन ऑफ एक्स ना और यू कैन सॉल्व लाइक सिंपली एज यू यूज्ड टू सॉल्व कैसे करते हैं एक्स माइनस एन स्क्वायर कितना इट इज 3/5 का स्क्वायर इनटू एक्स सो इफ यू विल सबट्रैक्ट एक्स माइनस हाउ मच इट विल बी 9/25x यू विल बी गेटिंग द सेम 25x minus yes, 9x/25 so you will be getting the same 16x/25 so doesn't matter how you solve the value should still come the same yes, okay let's see no problem abhi to clear hai abhi kaise solve kiya abhi ye concept sabko okay hai okay then okay let's come to the next part So we discussed a lot of question based on concept acceleration part. Okay. So from now we'll be discussing variable acceleration type of question. So we'll be discussing variable acceleration. Okay. So in variable accelerated motion, all the things will be given in the function format. ओके ऑल द थिंग्स विल बी गिवन इन फंक्शन फॉर्मेट मतलब फंक्शन फॉर्मेट क्या है यार मैं एक प्रीवियस लेक्चर आपको दिखा के फिर से चीजें क्लियर करता हूँ व्हाट इज द फंक्शन फॉर्मेट ओके नॉट दिस वन या सो आई विल शो इट अगेन दिस डिफरेंशिएशन पार्ट लाइक आई टोल्ड देखो एक बार यार सब लोग डिफरेंशिएशन का पार्ट सबको क्लियर है या नहीं किसी को डिफरेंशिएशन रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो अभी देख ले चेक द रूल्स डी बाई डी वाई ऐसे लिखते हैं डिफरेंशिएशन को डी वाई बाई डी एक्स टाइप में अगर एक नंबर का डिफरेंशिएशन करेंगे रूल नंबर 1 तो डिफरेंशिएशन 0 होगा इफ द नंबर कॉन्स्टेंट इज विद एक्स सो द कॉन्स्टेंट विल रिमेन एज इट इज और एक्स टू द पावर एन को कैसे सॉल्व करते हैं एन पहले लेके आते हैं और एक्स to the power n minus 1 कम हो जाता है फिर अगर मैं बात करूं कि x का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो x का होता है 1 और x स्क्वायर का हो जाता है 2x तो इस तरीके से सपोज हमें डिफरेंशिएशन करना है y is equal to क्या 3x स्क्वायर प्लस 5 तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy/dx इसका dy/dx हो जाएगा कैसे करेंगे 3 विल रिमेन एज इट इज बिकॉज़ इट इज विद x एंड x स्क्वायर का सॉल्विंग क्या हो जाएगा x स्क्वायर का हो जाता है 2x प्लस The 5 is alone without any number, तो 5 का क्या हो जाएगा 0. तो ये differentiation यहाँ पर आप लोग को आना चाहिए. ये हमारा basic perspective था question को solve करने का. तो differentiation में अगर किसी को कुछ doubt है, तो अभी बता दो.
बिकॉज इन वेरिएबल हमें बार बार यही डिस्कस करना है। चले तो वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन की खास बात होगी कि जो पोजीशन होगी, पोजीशन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन जो होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एस और एक्स से। ठीक है, सो पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विल बी गिवन बाय एस और सिंपली एक्स। कैसे? नंबर वन, पोजीशन विल बी अ फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन ऑफ टाइम इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ ऐसा है कि एस विल बी रिटेन एज एफ ब्रैकेट में टी, और इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स विल बी एफ ब्रैकेट टी। सो बोथ आर लाइक पोजीशन, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब देखें, लाइक हम बात कर सकते हैं फंक्शन का मतलब ये है कि एक्स विल बी 2t स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियली मींस टाइम कितना है? जीरो। टाइम जीरो मतलब एक्स कितना आएगा? टी जीरो की वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा? जीरो। एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड अगर हम पूछें, एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो एक्स कितना आ जाएगा? 2 × 1 का स्क्वायर, सो इट विल बी 2 मीटर। या सो लेट्स सी, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, सो एट टू इज इक्वल टू 2 सेकेंड द पोजिशन विल बी 2 × 2 स्क्वायर, सो इट विल बी 4 × 2, 8 मीटर। So that means it is moving very fast at t is equal to 3 second. Its position will be x is equal to 2 × 3 square. It is 18 meter. So the motion is something like it is starting from origin. Ye kya hai? Origin. Origin means zero position. First it will cover 2 meter. Then it will cover 8 meter. Then it will cover 18 meter. Scale थोड़ा सा और छोटा बना लेते हैं. Suppose 2 meter is till this point, 8 meter is, let's say till this point, and this is further 18 meter. Sorry, my mistake. It is a position. Remember, it is a position. So these are the values of x. This is x 0. This is x is equal to 2. This is x is equal to 8. This is x is equal to 18. Clear? Which means this distance is 2, but this distance is 6, and this distance is 10. तो ये सबको समझ में आया? The position is defined from the origin. Okay? तो confused नहीं होना है कभी कि sir what is the distance covered till this point? Okay? तो suppose मैं इसमें पूछूं what is the distance covered in second या in third second? Okay, तो third second में distance कितनी हो जाएगी? We can simply see it is, the answer is 10 meter. Clear? So third second की distance का मतलब ये है कि total 3 सेकेंड का माइनस 2 सेकेंड का विल बी 3rd सेकेंड। सो आई कैन जस्ट राइट x3 माइनस x2 विल गिव द आंसर ऑफ 3rd सेकेंड। सो x3rd, हाउ टू फाइंड द 3rd सेकेंड? यू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर 3 सेकेंड माइनस वैल्यू ऑफ 2 सेकेंड, द रिजल्ट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ 3rd सेकेंड। सो मींस वी कैन नॉट यूज फॉर्मूला हियर। सो इन वेरिएबल एक्सीलरेशन द प्रॉब्लम इज we cannot use what v is equal to u plus at. We cannot use this s is equal to ut plus half at square. Third equation is v square is equal to u square plus 2as, and the fourth one is s nth will be u plus a by 2 2n minus 1. We cannot
use this because these are valid only when acceleration is constant. So we cannot use these because they are valid for a is equal to constant. Constant acceleration के लिए ही valid है, otherwise ये valid नहीं है. तो यहां तक किसी को कुछ doubt है तो बताएं क्या कि variable acceleration motion में हमें position एक function दिया जाएगा, something like this एक function दिया जाएगा. Function means जिसमें t होगा और उस पे value रख के हम check कर सकते हैं कि क्या क्या position होगी, and we cannot use this formula to calculate anything. So which formula will be using? देखें अब यहाँ पर बात करते हैं अपने काम की, फॉर्मूले क्या यूज होंगे. देखें नंबर वन पोजीशन, देखें सब लोग पोजीशन अगर चाहिए सो एक्स विल बी अ फंक्शन ऑफ टी. डन. सपोज आपको स्पीड चाहिए, स्पीड सो स्पीड जो वी होगी, वी विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स. वी विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स मतलब क्या हो जाएगा, यू कैन से डिफरेंशिएशन ऑफ जो फंक्शन था एफ टी, उसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे. ये हुआ क्या स्पीड. और अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा स्पीड का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड वी. क्लियर. और आई विल राइट डिफरेंशिएशन ऑफ v ही रहेगा यहाँ पे, मतलब कुछ लिख नहीं सकते इसे, v ही रहेगा. एक और चीज, हाँ v को क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x. सो देखें डिफरेंशिएशन जो v है वो हम लिख सकते हैं dt of x. तो देखो क्या हो गया, dt दो हो गए और जबकि d क्या है एक, मतलब इसे लिख सकते हैं d2 by dt square ऑफ एक्स. ये भी एक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा. इसका मतलब थोड़ा सा हम रीड करते हैं. पहले आपको ये गिवेन है, देन आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो गई स्पीड. देन यू कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन. आप स्पीड को एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, या इसका मतलब ये है दो बार डिफ्रेंशिएट कर दो डिस्टेंस को. सो हम यहाँ पे लिखेंगे डबल डिफ्रेंशिएशन, डबल सो इट इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टी. इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं. तो पहले सब लोग पहले फोकस करें व्हाट आर द फॉर्मूलाज. देखो टेंशन नहीं लेना है, देखना मैं फिर से बताता हूँ क्या सिंपल है. स्पीड इज इक्वल टू पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. आई गेस ये सबको पता है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बिल्कुल क्लियर है. तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जब हमें डिस्टेंस फंक्शन दी है, डिस्टेंस एक फंक्शन है, तो हम जस्ट डिस्टेंस बाय टाइम नहीं कर सकते. क्लियर. जब भी कभी फंक्शन देता है तो डिवाइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन यूज करेंगे. सो वी विल यूज डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम. बस ये थॉट है कि फिजिक्स में अगर कभी फंक्शन दिया है तो हम सिंपल डिवाइड नहीं करते, हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे. ये हमारा लॉजिक है. तो मुझे लगता है लॉजिक यार सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर एफ फंक्शन है, मतलब एक्स अगर फंक्शन है, तो स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे डिफरेंशिएट करके. एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, स्पीड को भी डिफरेंशिएट करके. तो जितने लोग को डाउट रहेगा अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, वो सारे डाउट सभी क्लियर हो जाएंगे आप लोगों को. ओके तो एक एग्जांपल वाइज देखते हैं. उसके लिए पहले आप लोग को याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि स्पीड अगर निकालना है तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, और एक्सेलरेशन निकालना है तो दो बार डिफरेंशिएट करते हैं. याद है, यू हैव एनी डाउट सर? ये डबल डिफरेंशिएशन कब करना है, वो नीचे वाला डबल डिफरेंशिएशन, दे आर सेम. It is just a writing pattern. It is just a writing pattern. हाँ मतलब क्या है, सोचो x square लिखा है, बेटा x square को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, bracket लगा के square, अच्छा लगेगा. So it is just a writing pattern.
आपको एट द एंड करना क्या है, एक्स को डिफरेंशिएट करना है तो क्या आ जाएगा वी, और वी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन। आई जस्ट राइट हियर, अगर एक्स है और उसे आपने डिफरेंशिएट किया तो बन जाएगा वी, और वी को डिफरेंशिएट किया तो बन जाएगा ए। बिकॉज हमने दो बार डिफरेंशिएट किया तो इट इज सेड कि एक्स को डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो ए बन जाएगा। डबल डिफरेंशिएट का कोई मीनिंग नहीं है, आपको सिर्फ दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो एक्स को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बन जाएगा वी, और वी को फिर से डिफरेंशिएट करूंगा अगर तो ये बन जाएगा ए। क्लियर? और ये दो बार डिफरेंशिएट किया, इसी को हम लिख सकते हैं डबल डिफरेंशिएट। डबल डिफरेंशिएट मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नई चीज सॉल्व करनी है, दो बार डिफरेंशिएट करना है। डबल डिफरेंशिएट का मीनिंग है टू टाइम्स डिफरेंशिएशन। चलो, तो मुझे लगता है अभी एग्जांपल के थ्रू हम देख सकते हैं, अभी काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। फाइंड द इनिशियल पोजीशन कॉमा स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज पोजीशन is given as s is equal to, or just use x is equal to 3 t cube minus 4 t square plus 6 t plus 10. Yeah, so suppose this is given to you. Now you need to find initial position, speed and acceleration. So start solving, answer in the chat box. Initial mean, you know na initial mean? Let's see. I've shown here what the initial means. I'll highlight this. Initial means time is zero. So I'll highlight initial means the time is zero. Or I'll just write in this one only. Okay, start solving. Not correct answer, Anshika. Okay, first thing let me explain this one. Suppose first initial position yaar, initial position to tension hi nahi leni na. Initial position means at t is equal to 0. Position matlab kya, x to x ki value nikalo at t is equal to 0. T ki jagah 0 rakho, kya hoga, 3 into 0 ka cube plus sorry minus sir 10 hi aayega, into yeah 10 hi aayega, 4 into t square plus 6 into 0 plus 10. तेरा अब एग्जाम में आपको ये इतना करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये 0 होगा, ये 0, ये 0 plus 10. So the initial position will result as x is equal to 10 meter. Okay? Now the solve for the initial speed and this. So first all you need to do to solve the first part, you should solve second part, speed. So speed you can write that v is a differentiation of x. So v is a differentiation of x, and what we have
as in the place of x we have 3t cube minus 4t square plus 6t plus 10. अब इसका डिफरेंशिएशन बस आपको करके लिख देना है, सॉल्व करें यार। और v का पहले फंक्शन निकाले फिर इनिशियल निकालेंगे। या आदिति यू हैव एनी डाउट? मेरे आंसर्स करेक्ट हैं। ओके लेट मी चेक फर्स्ट, आई हैवंट सीन इट। नो आदिति इट्स नॉट करेक्ट। Sorry, is my correct? No, I am not asking for the function. Look at the question now. Just answer what the question has asked. I want to know the initial values. So don't answer me the whole function. As you are writing the function, do not answer the function. Function is correct, by the way, Vishdeep. Don't give me the function. Everyone is writing the function now. Okay, I'm getting one doubt. Some of you asked this one. Okay, listen. What is this f? बहुत student को ये thought होगा, ये f है क्या sir? F की value क्या है? This is just a symbol. F क्या है? एक symbol है to represent a function. मतलब suppose लिखा हुआ है, it is sort of polynomial. Polynomial क्या होता है? Polynomial ऐसा होता है suppose 2x square plus 3x plus 4. ये एक polynomial है. So f is just a representation of polynomial. F has no physical significance. Okay? F का मतलब कोई physical significance नहीं है वहाँ पे. समझना है आप लोग को. Okay? F नहीं find करने लगना है. It is just like a function of polynomial. So x is given like this polynomial. You can solve like straight. So let's see. स्पीड हाउ मच इट इज, डिफरेंशिएट कर देंगे। देखिए मैं सॉल्विंग करता हूँ डिफरेंशिएट। आई वोंट राइट द होल रूल, आई विल जस्ट राइट 3 विल रिमेन एज इट इज एंड टी क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 4 विल रिमेन एज इट इज और टी स्क्वायर का कितना होगा 2t देन प्लस 6 विल रिमेन एज इट इज और टी का कितना होगा 1 देन 10 का क्या हो जाएगा 0। सो लेट्स सी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पीड। इट इज 3 × 3 9t स्क्वायर माइनस 8t plus 6. Then, now, what I asked is initial speed. Initial speed means... Sir, t is equal to 0 put karein. T is equal to 0 put karna hai aapko. To v initial kya ho jayegi? V initial, t ki jagah 0 rakh do. To 9 into 0 ka square to 0 hoga, minus 8 into 0, 0 hoga, plus 6 answer aa jayega. The initial speed will be 6 meter per second. सर मैंने सेंड किया है आंसर। हाँ चलेगा। तो देखे सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। देन अभी सॉल्व करना है आपको एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन का आंसर फिर से आप लोग भेजें। जिसने आंसर कर दिया है ठीक है, जिसने नहीं किया है वो फिर से एक बार सेंड करे एक्सेलरेशन का आंसर। ओके अदिति करेक्ट आंसर, विश्वदीप करेक्ट आंसर। एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन। संस्कार इट्स नॉट करेक्ट। ओके वन इंपॉर्टेंट थिंग, जिस स्टूडेंट को डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम आ रही है वो डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर जाके देख लेगा, लेक्चर 2 इट इज। इन द सेकंड लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंशिएशन पार्ट। तो जिसका भी दिक्कत हो वो सेकंड पार्ट सॉल्व कर सकता है। ओके अंशिका करेक्ट आंसर। आदित्य करेक्ट आंसर। Shaili, correct answer. Okay. I guess now you have got the idea how to solve this particular one. Let's see. Now I'll be solving third part. What? Acceleration.
एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करना है, मैंने बताया एक्सेलरेशन इज द डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड v, तो बेटा v का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, v देखो कितना है ऊपर इक्वेशन में 9t² - 8t + 6, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 9 विल रिमेन एज इट इज और t का कितना हो जाएगा 2t माइनस 8 विल रिमेन एज इट इज और t का क्या होता है 1 और 6 का हो जाएगा 0। मैं फिर से बोल रहा हूँ जिसे डिफरेंशिएशन में डाउट है वो लेक्चर 3 मेरे प्लेलिस्ट में से देख लेगा, उसके बाद भी कुछ डाउट रहता है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो इट विल बी 18t माइनस 8, ये हो गया एक्सेलरेशन। ये जो वैल्यूज हैं दीज आर फंक्शंस, दीज आर कॉल्ड फंक्शन, जो आप टेंशन ले रहे हो ना सर ये क्या है, सो दीज आर कॉल्ड फंक्शंस, दिस गिवन वैल्यू, दिस एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन, यू कैन सी इट इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट इज नॉट constant. Why it is not constant? As you will keep the values of t differently, the value will come different. So, initially means at t is equal to 0. Take t is equal to 0, value kya ho jayegi? A is equal to 18 into t ke jagah pe 0 minus 8. So this will become 0 and A will be minus 8 meter per second square. This represent initially it is retarding, then after some time, suppose in case if you wish at t is equal to 1 kya ho jayega, so at t is equal to 1 a will be 18 into 1 minus 8, so the answer will be plus 10. So initially it was retarding, but after that it started accelerating. To is tarike se hum accelerated motion solve karte hain. इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बताए। ओके, नाउ वन थिंग, ये बताओ आप लोग में से हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स माइनस 5x + 6 = 0, हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, रूट्स Sir, we know. Okay, those only answer who do not know how to solve this equation and how to find the roots. I want to know because usually this is taught in class 9th, at the beginning of class 9th. So maybe some of you have, you are familiar with this or maybe some of you are not. तो अगर आप लोग को क्लियर है वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू डू नॉट नो हाउ टू सॉल्व दिस वन यू कैन आंसर। ओके, सो लेट्स सी एन एग्जांपल बेस्ड ऑन द सेम सिचुएशन, लेट्स सॉल्व, हु कैन फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू, द क्वेश्चन इज फाइंड व्हेन the object will stop if its speed is the object when it will stop if its position is given as s is equal to 4t² - 12t + 8. Okay, solve this one, let's see who can find the value. Find when the object will stop, ye yaad rakhna, when means time, when means time, at what time the object will stop, you need to answer about the time, solve everyone.
पुष्यदीप रॉन्ग आंसर. Look in this question, you need not to solve the quadratic equation. Look at the question, solve whatever is asked. Don't bother about the solving this polynomial, okay? Focus on the question. When an object stops, when actually stops, ask yourself when you will say it has stopped. It will stop when its speed is zero. So what you need to do, you need to solve for the speed and make it to the zero. Check at which value it will be zero. So all you need to do is find the speed and check where it will be zero. Aditi, not correct answer. Anshika, not correct answer. I have given you the hint. This is the hint. You need to find the speed and make it to the zero. Shruti, it's not correct. Okay, very good, Sally. Correct answer. So we have got one correct answer. Arnav, it's not correct. Okay, listen, everyone. Listen, I'm giving the hint again. All you need to do is solve the speed and make it to the zero. Aditi, now it's correct. Very good. All you need to do, find the speed and make it to zero. Okay, I'll solve for the speed. Speed kaise solve karte hai? V is the differentiation of s. Maine bola tha pehle, it can be s or it can be x. So we need to differentiate what? This equation 4t square minus 12t plus 8 is equal to zero. Solve karo. Speed v will be, इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे 4, t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t, माइनस 12, t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, एंड 8 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, सो स्पीड क्या आ गया, स्पीड आ गया 8t माइनस 12, किसी को इसमें डाउट है तो बताओ. सर मेरा यहाँ तक करेक्ट आ रहा है. ओके वेरी गुड, बस यहीं तक करेक्ट मेन चाहिए, यहाँ तक सर मेरा भी करेक्ट. ओके वेरी गुड, मेरा भी आया. Then it is good. What next step you need to follow? An object is said to be stopped if its speed becomes zero. So to find out when it will stop, you need to make the speed zero. Okay? So to find when it will stop, to find when it will stop, क्या करना पड़ेगा? Make the speed as zero. So v should be zero. Clear? So when it will stop, to find this, our speed should be zero. And our speed, how we can write it? We can write it 8t minus 12. It is zero. So you need to find the t from this equation. And how we can solve? As we know, this minus 12 will go right side, so it will become plus 12. Clear? And this 8 will be divided.
because 8 is in 2, so this will be 8. So by solving, you will get 1.5 second. So the answer was, time was 1.5 second. ये आंसर है सर मेरा यही है बट मेरा फ्रैक्शन में आया 4/3 फ्रैक्शन में आया बट तुमने मैसेज नहीं किया ना दैट वाज द प्रॉब्लम इट्स ओके चलेगा देखिए सो द आंसर शुड बी 3/2 इन द फ्रैक्शन और 1.5 सो समीक्षा इट्स करेक्ट श्रावणी इट्स करेक्ट ओके सो लेट मी एक्सप्लेन अगेन व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग एवरीवन should get it properly when remember if the question is asking about the time remember if the question is asking about time you must know something to equate about means ek equation honi chahiye jisko aap zero se karke value solve kare clear तो एक पॉलीनोमियल को आपको जीरो के इक्वल करना है ये आपको आइडेंटिफाई करना है क्लियर सो इन दिस क्वेश्चन क्या आइडेंटिफाई करना था हमें स्पीड जीरो के इक्वल करना था क्लियर स्पीड जीरो के इक्वल करना था तो हमने पहले स्पीड निकाला एंड हमने स्पीड को क्या रख दिया जीरो इट इज लाइक अ गिवन इक्वेशन और हमने वी की वैल्यू वहां पर रख दी सो फ्रॉम दैट वी कैलकुलेटेड कि टाइम कितना होगा ओके मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोग को ध्यान देना है इस लेक्चर में दो टाइप के बैचेस हैं एक न्यू स्टूडेंट्स हैं और एक ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जो प्रीवियसली ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहे थे हमारे यहाँ पे एट्थ में दोनों के टेस्ट में डिफरेंस है बट सिलेबस दोनों का सिमिलर रहेगा जो आज तक हमने पढ़ाया हुआ है ओके तो आज मैं जो वेरिएबल एक्सेलरेशन का क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ वहां तक टेस्ट में आएगा क्लियर जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनका टेस्ट कल है मंडे इवनिंग 4 to 7 और जो स्टूडेंट न्यूली ज्वाइंड है उनका टेस्ट होगा वेडनेसडे ओके तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे बाकी डिटेल्स ग्रुप में हम आपको पोस्ट कर दी जाएगी कि आपका टेस्ट जो है वो किस दिन है किस टाइम पे है चल हम वापस थोड़ा सा देखते हैं इस क्वेश्चन को अभी ये सबको आइडिया समझ में आया है कि कैसे हमें पूछा हुआ है व्हेन इट विल स्टॉप दैट मींस स्पीड शुड बी जीरो डन नाउ सर या सर हमारा टेस्ट मंडे को है या आप लोग का टेस्ट मंडे को है दोज हु आर न्यू टू आवर लेक्चर्स देयर टेस्ट विल बी ऑन वेडनेसडे ओके लेट्स सी अभी क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इन द सेम क्वेश्चन लेट्स सॉल्व समथिंग एल्स इन द सेम क्वेश्चन आई एम आस्किंग इन द सेम क्वेश्चन ओके सॉल्व करें आप सबको पता होना चाहिए व्हेन इट विल रीच टू ओरिजिन ओरिजिन मींस पोजीशन क्या होनी चाहिए उसकी जीरो ओरिजिन का मतलब क्या होता है पोजीशन एकदम जीरो है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन सो इन द सेम क्वेश्चन फाइंड व्हेन इट विल रीच टू द ओरिजिन तो इसका मतलब इस बार किसे जीरो करना पड़ेगा हमें पोजिशन को जीरो करना पड़ेगा So as per the given condition, given है क्या given होगा हमें इस बार position should be zero okay so in this particular case position should be zero and what is the position let's see it is 4t² - 12t so the position is 4t² - 12t + 8 is equal to zero. Now you need to solve this equation. This is a 2-degree polynomial or quadratic polynomial. So this is a quadratic equation or quadratic polynomial. This is a quadratic equation
इक्वेशन और पॉलिनोमियल। सो सॉल्व इट एंड ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी एट विच टाइम इट विल बी जीरो। अदिति इट्स नॉट करेक्ट आंसर। Aditi, it's not correct. Arnav, not correct. Actually, you need to find the solution of this equation or zeros of this equation. So what you need to do, find zeros, find zeros of this equation. Okay, zeros ko hum roots bhi bolte hain. Or, so I'll write or find the roots of this equation. इस इक्वेशन के रूट्स आपको फाइंड करना है। सो एज नो वन इज गिविंग द करेक्ट आंसर, सो आई विल कंसीडर यू डू नॉट नो हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल इक्वेशन। सो आई एम आस्किंग फ्रैंकली, आई एम आस्किंग अगेन टू एवरीवन हु डू नॉट नो हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Okay, Prateek. Sir, I don't know. Okay, Anshu. Sir, I also don't know. Okay, Diya. Sir, I also. Sir, okay. I don't know. Okay. Stop everyone. Then I'll explain how to solve a quadratic equation. So, okay, I'll explain in a simple way. I won't be giving so many examples. So, it's better to make it clear from your math, sir. Okay, ask him to give a lot of example on this quadratic equation solving. Okay, in the next lecture you must ask to how to solve a quadratic equation and give a lot of example based on the same scenario. So I'll be just explaining how to solve a quadratic equation. Let's see how to solve okay. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करने है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फिजिक्स में इसका इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। रॉन्ग आंसर्स अभी तक किसी ने करेक्ट आंसर नहीं दिया, बट आई विल एक्सप्लेन। देखें स्टेप्स, देखें देर आर टू स्टेप्स फॉर अ पॉलिनोमियल। रिमेंबर फर्स्ट अ टू डिग्री पॉलिनोमियल हाउ इट विल लुक। नो वन आंसर इज करेक्ट। ओके स्टॉप आंसरिंग नाउ, नोबडी विल आंसर नाउ, लिसन व्हाट आई एम टेलिंग यू नाउ। See, Yadit, you have any doubt? Okay, let's see then. A polynomial, 2-degree polynomial, will look something like ax square plus bx plus c is equal to 0. Clear? This is a standard polynomial of 2-degree polynomial. I'll say quadratic equation. और आई विल से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लुक, देर आर टू स्टेप्स इन्वॉल्व। फर्स्ट जस्ट कीप द फर्स्ट टर्म, 2-degree टर्म एंड विदाउट एक्स टर्म सेपरेटली। सो आई विल राइट इन द नेक्स्ट स्टेप दीज टर्म्स सेपरेटली, दीज टर्म्स आर सेपरेटेड। Now the second step is you must multiply the sign of first and second term to this point. So यहाँ पे जो sign रखेंगे इन दोनों के multiplication का sign रखेंगे, इन दोनों के multiplication का sign यहाँ पर। So this is by default plus and this is plus, so the multiply will be plus.
then the multiplication of these two signs is kept in the second term. So plus and plus, again it will come plus. So I'll highlight these points कि इन दोनों का जो साइन मल्टीप्लीकेशन है वो आएगा यहाँ पे और इन दोनों का साइन मल्टीप्लीकेशन आएगा यहाँ पर. सो ये स्टेप नंबर वन. तो ये हुआ हमारा स्टेप वन. स्टेप वन सबको समझ में आ गया. क्या करने होते हैं, थ्री टर्म्स से इसे फोर टर्म्स में बनाना है. क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में कितने टर्म्स होंगे, थ्री टर्म्स. टर्म्स पता है आपको, ये एक टर्म हुआ, दो टर्म हुआ, तीन टर्म्स हुए, थ्री टर्म्स है. स्टेप वन में आपको इसे क्या कन्वर्ट करना है, फोर टर्म्स में कन्वर्ट करना है. क्लियर. सो पहले स्टेप वन में आपको क्या रखना है, साइन रखने हैं, क्या क्या साइन होंगे. देन स्टेप टू में इसको आपको कन्वर्ट करना है फोर टर्म्स में, फोर टर्म्स. अभी इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछे यार, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में. आदित्य सर, मे आई सी द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन अगेन. ओके, ओके, वन मोर थिंग. व्हेनेवर देयर आर लाइक इन द क्वेश्चन, यू सी इफ इन द क्वेश्चन इफ देयर आर इक्वेशन, सो फर्स्ट थिंग यू मस्ट डू व्हाइल सॉल्विंग, नोट डाउन द इक्वेशन. डू नॉट नोट द होल क्वेश्चन बट एटलीस्ट नोट द इक्वेशन, बिकॉज व्हाइल सॉल्विंग वी मे. So this was the equation. Now, let me explain properly. The first step is to choose the proper sign. Then, now, step two is to convert it in four terms. So how to find those terms? I'll write. This will not be difficult. This will be ax square. We have got two signs. N plus c is equal to zero. Now, how to make the four terms? How to make these two terms? These two terms, let's say they are P and Q. Clear? So let's assume those terms are PX and QX. Okay? Now, how to find P and Q? How to find P and Q? अब हमें P और Q के बारे में हमें सोचना पड़ेगा. P और Q कैसे find करना है? तो देखिए, P और Q क्या होते हैं? हमें थोड़ा सा गेस करना होता है. गेस मतलब ऐसे ब्लाइंड गेस नहीं, लॉजिकल गेस करना होता है. देखें, पी एंड क्यू आर सच दैट पी एंड क्यू आर चूजन सच दैट. देखें, यहां पे जो पी और क्यू का साइन है वो मैच होना चाहिए. दैट मीन्स पी प्लस क्यू वो होना चाहिए किसके जैसा, ये जो इनिशियल कोफिशियंट था b, सो p प्लस q किसके जैसा होना चाहिए, b के जैसा होना चाहिए. एंड एंड p इंटू क्यू जो होना चाहिए, ऑल राइट, p इंटू क्यू वो किसके जैसा होना चाहिए, वो a इंटू c के जैसा होना चाहिए. इस तरीके से हम टर्म चूज करते हैं. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्विंग में मैं सबसे पहले बोलता हूँ स्टेप टू बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी टर्म को चूज करना. क्लियर. अभी इसे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आएगा. लेट्स सी द एग्जांपल. ओके, लेट्स सी द एग्जांपल. सपोज आई एम गिविंग, लुक, आई एम गिविंग अ इक्वेशन हियर, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो. क्लियर. सपोज दिस इज अ इक्वेशन. नाउ कंपेयर इट विद आवर पर्टिकुलर वैल्यू. कंपेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. तो देखो कंपेयर करने में क्या मिलेगा. ए मतलब क्या है, वन, बिकॉज देर इज नथिंग विद द मल्टीप्लाई. बी मतलब क्या है, बी मतलब है माइनस फाइव. एंड सी मतलब क्या है, सिक्स. नाउ व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप. स्टेप वन इज टू कीप द प्रॉपर साइन. स्टेप वन में देखें, ये होगा एक्स स्क्वायर. अब पहला तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या आएगा, माइनस माइनस. सो इट विल बी माइनस सम पी इनटू एक्स. देन अगेन दिस माइनस एंड दिस प्लस दे विल मल्टीप्लाई माइनस, रिजल्ट माइनस. सो इट विल बी माइनस क्यू एक्स. नाउ प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो. एंड नाउ व्हाट आर द रूल्स, व्हिच एवर साइंस आर यूज्ड हियर, लाइक पी एंड क्यू बोथ आर सेम साइन. सो सेम साइन दैट मीन्स
पी एंड क्यू विल एड अप। अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना भूल गया, अगर सेम साइन है देन पी प्लस क्यू, इफ डिफरेंट साइन देन पी माइनस क्यू। यहाँ पे दो चीजें चूज करते हैं, पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू शुड बी बी। सो यहाँ पे मैं दो स्टेप में लिख देता हूँ इसे, ये वाला यूज करेंगे इफ पी एंड क्यू हैव सेम साइन, एंड माइनस कब करेंगे व्हेन पी एंड क्यू हैव डिफरेंट साइन। तो अभी के लिए देखो पी और क्यू के क्या साइन सेम है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव है। तो स्टेप टू में क्या करेंगे, स्टेप टू में हम चेक करेंगे क्या कि सेम साइन है, दैट मींस पी प्लस क्यू कितना आना चाहिए, बी के जितना, बी इज अवर माइनस फाइव, डन। एंड पी इंटू क्यू कितना आना चाहिए, सिक्स। अब आप सर्च करो कि कोई नंबर जिनका एड हो माइन मतलब फाइव और मल्टीप्लाई हो सिक्स, सो यू कैन सिंपली गेस दोज नंबर्स आर पी एंड क्यू आर टू एंड थ्री। क्लियर? ओके, वन मोर थिंग इज देयर, देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स, रिमेंबर देयर आर अ लॉट ऑफ मेथड फॉर सॉल्विंग दिस, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग ऑल दोज मेथड। ओके, सो डोंट फील लाइक दैट I am not telling you all the methods because they are not required in physics. Whichever method are required in physics, it is this one which I am explaining. There are several different methods which will be taught in maths. Okay? So I am just explaining one method which is used in physics. So you can guess the example are 2 and 3. So next step 3 will be x square minus to write 2 and 3, so it will be 2x minus 3x plus 6. Now, what to do? Make pair of 2, first 2 and second 2. So making pair, okay? So ye ho gaya pair. Ab, is pair mein se aapko dekhna hai ki which thing is common. तो ये पेयर में अगर आप देखो तो यू कैन टेक एक्स एज अ कॉमन, मींस एक्स इज अ कॉमन इन बोथ, यू कैन कंपेयर एक्स विल बी कॉमन इन बोथ। ओके, सो एक्स इज कॉमन इन बोथ, नाउ इनसाइड इट विल रिमेन एक्स एंड इट विल रिमेन टू, सो दिस इज द फर्स्ट पेयर। नाउ विद द सेकेंड पेयर व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक माइनस थ्री कॉमन, because you cannot take common x, so it will be x minus 2 is equal to 0. Now what to do, you will see this thing, it matches twice. Clear? So you can do one thing, you can also take the common x minus 2, and in the second the remainings will be these one. If you pick the common x minus 2 which is inside, the remain will be x minus 3, 0. And now to find the roots, क्या करना होगा roots के लिए, आपको make both these values as 0. तो ये value and ये value 0 होगी, those are the roots, which means x minus 2 is equal to 0. So how much it will be, x is equal to 2 and x minus 3 is equal to 0. So how much it is, x is equal to 3. So these are called roots. X is equal to 2 and x is equal to 3. These are roots. अभी हमें इसके बारे में ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, सिर्फ आपको ये सॉल्विंग में जो भी प्रॉब्लम हुई है वो एक बार आपको अच्छे से देख लेना है। नोट्स में आपको पोस्ट कर दूंगा ग्रुप पे, अगर किसी को डाउट आता है तो वीडियो लेक्चर फिर से देख सकते हैं। ओके, अब हम वापस से अपने क्वेश्चन में आते हैं कि हमें ओके सर, मैंने भी उसका आंसर सेंड किया है। चलेगा, आई विल चेक लेटर। फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन दिस वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। ये सबको समझ आया, स्टेप्स नंबर वन पहले साइन रखना है, नंबर टू क्या करना है, पी और क्यू फैक्टर चूज करना है, फैक्टर ऐसे चूज करने हैं, अगर सेम साइन है तो ऐड करेंगे, अपोजिट साइन है तो माइनस करेंगे, उनका मल्टीप्लाई ए इंटू सी जैसा होना चाहिए था।
और इस तरीके से फिर हमें फैक्टर करके कॉमन लेना है और फिर वैल्यूज निकालनी है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, हमारा जो एग्जांपल था वो क्या था, एग्जांपल फिर से लिख देते हैं, डिस्टेंस। सो एस वॉज 4t² - 12 + 8, दिस वॉज आवर क्वेश्चन। और हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा है टू फाइंड व्हेन इट विल रीच एट द ओरिजिन। सो टू फाइंड व्हेन इट विल रीच एट द ओरिजिन। ओके, मतलब क्या चाहिए हमें, फाइंड करना है व्हेन द डिस्टेंस विल बी और पोजीशन विल बी जीरो। सो दिस थिंग वाज पोजीशन। सो पोजीशन इज गिवन विद दिस फंक्शन एंड टू रीच द ओरिजिन पोजीशन शुड बी जीरो। सो नाउ वी नीड टू सॉल्व 4t² - 12t + 8 = 0। हमें ये करना है। अब देखो यार, सब सुनना, काम की बात ये है, हमें ये चेक करना है कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। सब लोग स्टेप्स देखेंगे। स्टेप वन हमें क्या करना है, पहले इसके साइन डिवाइड करने हैं। तो देखो यहाँ पर प्लस है, इट विल बी 4t² और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा प्लस और माइनस का वो क्या आएगा यहाँ पर, दैट इज माइनस। ओके, फिर इन दोनों के साइन का मल्टीप्लाई होगा प्लस एंड माइनस, वो आएगा नेक्स्ट स्टेप में, वो हो जाएगा माइनस। छोड़ते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कुछ है पी आएगा और यहाँ पे कुछ आएगा क्यू, प्लस एट विल रिमेन एज इट इज। नाउ स्टेप टू इज टू फाइंड व्हाट आर पी एंड क्यू। सो स्टेप टू इज टू फाइंड व्हाट आर पी एंड क्यू। नाउ हाउ टू सॉल्व पी एंड क्यू, बिकॉज पी एंड क्यू हैव सेम साइन है, मतलब क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। पी प्लस क्यू कितना होना चाहिए, बी के जितना होना चाहिए। कितना है वो वैल्यू, -12। क्लियर, एंड क्या करना चाहिए, पी इंटू क्यू क्या आना चाहिए, अगर हम बात करें पी इंटू क्यू वो होना चाहिए ए इंटू सी की तरह। ए की वैल्यू क्या है 4 एंड सी की वैल्यू क्या है 8। डन, नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, पी इंटू क्यू विल बी। तो बाय गेस सिंपली वी कैन सी सर 8 एंड 4। या इट इज क्वाइट क्लियर, इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम दिस कि ये 12 है और हमें पता है कि 4 एंड 8 उनका मल्टीप्लाई भी होने वाला है। तो ऐड करके बेस्ट मेथड क्या हुआ, पी एंड क्यू आर 4 and 8। डन, तो स्टेप टू था फाइंड करना व्हाट आर द पी एंड क्यू। नाउ द स्टेप थ्री टू राइट दोस पी एंड क्यू एंड स्टार्ट टेकिंग कॉमन। सो 4t² - 4t - 8t + 8 = 0। Now, let's take common. So we'll take 4 as a common, 4t. We can take t also common because t is also common. So 4t, this will be t minus 4t will remain 1. Yes. Then we can take common 8 here. So it will be t minus 1. So what we can see, we'll see these t minus 1, they are again and again repeating. In the first term they are repeating, in the second term they are repeating. So we'll take these two common. So t minus 1 we'll take common. So inside it will remain 4t minus 8. So what is the next step now? Step 4. Sir, aapka awaaz echo. Okay, so now is it okay? Yeah, so the fourth step will be to solve these values. So how to solve, make these values as 0. So we can do t minus 1 as 0, we can do 4t minus 8 as 0. So from here we can find t is 1 and from here we can find 4t is equal to 8 and this 4 will be divided and t will be 8 upon 4. So t will be 2. So I guess most of you got the right answer. This was to explain some of you who did not know
how to solve the quadratic equation. So most of you answered correctly. Very good. So some of you already knew how to solve a quadratic equation. Some of you didn't. So that's why I explained it. अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप एक बार वीडियो लेक्चर जो भी हमारा है इसमें मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन किया, आप एक बार फिर से रिव्यू कर सकते हो. उसके बाद भी डाउट रहता है तो आप हमसे पूछ सकते हो. नाउ द फाइनल आंसर विल बी दैट इट विल कम टू द ओरिजिन एट टू इंस्टेंट्स, एट t इज इक्वल टू 1 second एंड t इज इक्वल टू 2 seconds. So both answers are correct. Both are correct. How? At t is equal to 1 and 2 seconds, it will come to the origin. Clear? So इसका मतलब क्या है? ये motion थोड़ा सा बहुत ही irregular type का motion है. पता है कैसा? ये motion कुछ ऐसा type का होगा. Initially कहाँ पर है ये? You can see. अगर t zero रख दो, t zero. What it will be? 8. So, पता है ये मोशन कैसा होगा कि इनिशियली इसकी ये कहां पर है? 8 पे. लेट्स से दिस पोजीशन इज x इज इक्वल टू 8. तो पता है ये क्या होगा? ये पीछे जा रहा होगा. एट t इज इक्वल टू 1 कहां पर? ये x इज इक्वल टू 8 है. एट t इज इक्वल टू 1 क्या होगा? ये 0 पे होगा. फिर वापस घूम कर आ जाएगा वापस, और एट t इज इक्वल टू 2 पे भी यहाँ पहुंच जाएगा. क्लियर? और हमने क्वेश्चन देखा था कि स्टॉप कब होगा? 1.5 पर. तो ये हो जाएगा स्टॉप और रिटर्न आने लगेगा. तो ये क्वेश्चन है कुछ ऐसा है कि एट टी इज इक्वल टू 0 पे वो यहाँ पे था, टी इज इक्वल टू 1 पे वो यहाँ पे था, टी इज इक्वल टू 1.5 पे वो यहाँ पे था, टी इज इक्वल टू 2 पे वो यहाँ पर था. इस टाइप का ये क्वेश्चन हो गया हमारा. तो ये सबको समझ में आया यार ये चीजें कि yes, कैसे yes, जो टेस्ट होने वाला है उसमें जो हमने चीजें अभी डिस्कस की हैं, हमने स्पीड निकाला, हमने एक्सेलरेशन निकाला, हमने चेक किया व्हेन इट विल स्टॉप एंड हाउ टू फाइंड दिस पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन, वो सारी चीजें हम निकालेंगे. एक लास्ट पॉइंट लिख देता हूँ थोड़ा सा लास्ट पॉइंट, क्योंकि बिकॉज नेक्स्ट टेस्ट में इससे भी क्वेश्चन हो सकते हैं. वो क्या है लास्ट पॉइंट? वो है डिस्टेंस. If position is given, remember, if position is given, मतलब आपको क्या given है? X given है. तो अगर आपको distance निकालनी है, distance from या let's say distance of 3 seconds, तो यार always remember डिस्टेंस ऑफ 3 सेकेंड कैसे निकालेंगे? हो जाएगा पोजीशन ऑफ 3 x 3 माइनस x 0. डू नॉट फॉरगेट टू सब्ट्रैक्ट द 0 वैल्यू. क्लियर? पोजीशन एट 3 सेकेंड माइनस पोजीशन एट 0. तो अगर डिस्टेंस इन 3 सेकेंड चाहिए तो लिखेंगे पोजीशन एट 3 सेकेंड एंड ये क्या है? इनिशियल पोजीशन. अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो, बहुत ही सिंपल समझ में आएगा आपको. सपोज इनिशियली ऑब्जेक्ट था यहाँ पर, डन, ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर पे था, 2 मीटर पे है. आफ्टर 1 सेकेंड वो पहुंच गया 8 मीटर पे, एक्स इज इक्वल टू 8. सो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड? डिस्टेंस इज दिस ओनली ना, डिस्टेंस इज नॉट 8, डिस्टेंस इज 6. दैट मीन्स 8 माइनस 2. You must subtract the initial value. Always do not forget to use this part. Distance of 3 seconds. Okay? और अगर बीच में कुछ पूछा हुआ है like distance from 4 to 7 seconds or 4 to 7 seconds. So this you can simply see x7 minus x4. क्लियर? पोजीशन एट 7 माइनस पोजीशन एट 4. सिंपल. मेन प्रॉब्लम थी ये, इनिशियल वाली मिस कर देते हैं इसलिए आपका आंसर गलत आ जाता है. तो ये पार्ट पूरा था. ओके, तो आज के उसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो यार. अदरवाइज वी विल क्लोज दिस सेशन फॉर नाउ. सर, हाँ
सर जो टेस्ट रहेगी उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा? यस, नेगेटिव मार्किंग रहेगा, इस बार टेस्ट पे नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, तो थोड़ा केयरफुल रहना है। 4:1 का रहेगा। टेस्ट पेपर पैटर्न बताता हूँ। टेस्ट पेपर पैटर्न विल बी 25 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, ओके, 4 मार्क ईच, विच मीन्स इट विल बी 400 मार्क्स, 100 मार्क फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, ओके, एंड द माइनस विल बी 1 मार्क, नेगेटिव विल बी 1:4, ओके, 4 मार्क फॉर करेक्ट, 1 मार्क फॉर नेगेटिव। Okay, tomorrow the update will be given to you regarding how to approach the test paper, okay? Okay, so, sir. Okay, sir. Lectures will be covering, okay? Okay, okay, goodbye, everyone. Bye-bye. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.